चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करते हैं। फादर इज एज 3 times मोर देन हिज सन रोहित। बाप की उम्र 3 times ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है बेटे से। 8 साल बाद उनकी उम्र जो है ना वो 2 हो जाएगी, यानी हाफ हो जाएगी, 2.5 years हो जाएगी। और अब उसके 8 साल बाद जो है बेटे की एज, रोहित की एज क्या होगी, और ये पूछ रहे हैं। उसकी एज 2 times ज़्यादा होगी। अच्छा, ये कैलकुलेशन हुई है। रोहित की एज जो है वो एक्स ईयर है और उसके फादर की x+3x, क्योंकि 3 times ज़्यादा है तो 4x हो जाएगी। 4x+8 8 साल बाद जो है ना उसकी 5/2, यानी 2.5 years हो गई थी, 5/2 x+8 थी, ठीक है। देन रेशियो जो है वो इसको कैलकुलेट करने से 8 आ जाएगी, x=8 आ जाएगी। तो 8 को डबल जब कर देंगे, यानी कि 8 साल बाद उसकी एज डबल थी ना अपने फादर की, तो देन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 years हो जाएगी। अब उनको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, 2 times ज़्यादा थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर? डी इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी ख़त्म नहीं होते, वो चलते जाते हैं डिफरेंट डेसिमल्स के साथ। जैसे 3 को 20 से डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट्स तकरीबन वो 6 point something आता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। दे कैन आल्सो कैन नॉट बी रिटन फ्रैक्शन, और इनको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, यानी कि बाय में, डिवाइडिंग में भी लिख सकते हैं। चॉइस डी हैज़ अप्रोक्सीमेटिंग, चॉइस जो डी आंसर है वो सही है। अगर ए जो है वो एक ही नंबर जो रिपीट हो रहा है, लेकिन इरेशनल नंबर में एक नंबर रिपीट नहीं होता, डिफरेंट नंबर्स रिपीट होते हैं, ठीक है। बी क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में भी नहीं होता, और सी जो है वो ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म भी नहीं होता, इरेशनल नंबर ये रिपीट होता जाता है। तो डी का जो ऑप्शन है वो राइट है, यानी इरेशनल नंबर है। देव इज़ 46 years ओल्ड, टू एज ओल्ड एज रजीव। हाउ ओल्ड इज़ रजीव? अच्छा, हमने कहा देव की उम्र जो है ना वो 46 साल है और रजीव की उससे आधी है, तो ये तो सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है। देव की एज 46 है, 46 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 23 आंसर आ जाएगा। सी आंसर है इसका, ये नीचे कैलकुलेशन भी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतने सिंपल भी नहीं आते, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा घुमाना भी होता है, तो उस वजह से। रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स एट अ डांस वाज 3/4। अगर वहाँ पे 3/4 की रेशियो है लड़कियों की और लड़कों की, 3 गुना लड़के हैं और 4 गुना लड़कियाँ हैं। अगर लड़कियाँ 60 हैं तो लड़के कितने होंगे? लड़के ऑब्वियसली 45 होंगे। हम इसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं, 3/4 इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 60। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी आ जाएगा, वरना हम इस तरह करेंगे कि 4 को मल्टीप्लाई 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, तो 15 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। ऑब्वियसली ये भी हमारा आंसर जो है ना इस तरह भी आ सकता है। ये नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि क्रॉस सॉल्व द प्रोपोर्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग सेटिंग द क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू इच अदर, देयर वर 45 बॉयज, यानी कि वो भी आंसर राइट आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट डिस्क्राइब द नंबर 9? 9 को कौन सी टर्म डिस्क्राइब नहीं कर रही? प्राइम नंबर्स 9 के जो ना डिस्क्राइब नहीं कर रहे, क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल पे जाएं या 1 के टेबल पे जाएं। अब जो 9 है वो 1 अपने टेबल पे जाता है, 1 के टेबल पे जाता है और 3 के टेबल पे जाता है, सो ये प्राइम नंबर नहीं है। इंटीगर्स में नंबर ही आएगा 9, उसके अलावा रियल नंबर्स में भी 9 आता है, होल नंबर्स में भी 9 आता है, प्राइम नंबर्स में 9 नहीं आता, क्योंकि प्राइम वाले वो नंबर होते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और 1 के टेबल पे जाते हैं। 2 उनके पास प्राइम नंबर्स, 2 फैक्टर्स होते हैं, और यहाँ पे 9 के पास 3 फैक्टर्स हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन फॉलोइंग पैटर्न। 320 को 2 से डिवाइड किया तो 160 आया, 160 को 2 से डिवाइड किया तो 80 आया, 80 को 2 से डिवाइड किया 40 आया, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका। नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि किस तरह आया, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। जस्ट उन्होंने आपका बेसिक मैथ्स, ऑब्वियसली बेसिक मैथ इज़ ओनली द मास्टर रूल, तो उन्होंने वही चेक किया। मैक्स गोज टू जिम एवरी 4th डे, एलन्स एक्सरसाइज रूटीन इज गो एवरी 3rd डे, टुडे इज मंडे एंड बोथ मैक्स एंड एलन आर एट जिम, व्हाट विल द डे ऑफ द वीक नेक्स्ट डे बोथ हैड द जिम। उन्होंने कहा है जो मैक्स है वो 3rd दिन जाता है, मैक्स जो है वो 4th दिन जिम जाता है और एलन 3rd दिन। आज पीर है और मैलन और एक्स मैक्स और एलन दोनों जिम गए हुए हैं।
अब वो नेक्स्ट कौन सा दिन होगा जब वो दोनों इकट्ठे साथ जाएंगे, दैट इज़ डी। 1 वीक छोड़ के सेकेंड वीक में डी आंसर होगा, ऑप्शन डी का। जस्टिन वेट 8 lb 12 ऑज वेन ही वॉज बोर्न, एट हिज 2 वीक चेकअप ही गेन 8 ounces, वच वॉज द हिज वेट इन पॉन्ड्स एंड ऑन्सेस। अच्छा, उनके वेट के हिसाब से होंगे। ऑप्शन सी 9 lb 4 ounces। अच्छा, देर आर 16 ounces इन अ पाउंड, 16 ounces होते हैं एक पाउंड में। इफ़ जस्टिन गेन 8 ounces, अगर उन्होंने 8 ounces गेन किए हैं, ही विल बी 8 pounds and 20 ounces। तो उस वो 8 pounds और 20 ounces के होंगे, क्योंकि 8 होते हैं ना। तो द 20 ounces इन 1 pound and 4 ounces, एंड दिस इज टू द 8 pounds टू गेट 9 pounds and 4 ounces। तो तकरीबन 9 lb 9 pounds and 4 ounces, तो ये तकरीबन इसकी कैलकुलेशन के बाद 9 pounds and 4 ounces आ जाएगा। शेरोन वांट्स टू मेक 25 1/2 cup सर्विंग ऑफ सूप, हाउ मेनी ounces ऑफ सूप डस शी नीड। शेरोन ने 25 1/2 cup सर्विंग किए सूप के, और उसको कितने सूप के और चाहिए, 100 ounces। अच्छा, वो किस तरह, 1 cup is 8 ounces, एक कप में 8 ounces होते हैं। सो 1/2 cup is 4 ounces, आधा कप जो होगा उसने 25 आधे आधे कप बनाए ना, तो 4 ounces के। मल्टीप्लाई 24 by 4, और अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आंसर आएगा। तो कितना होगा, 100 ounces। ऑड्रे मेयर द विथ ऑफ हर डाइनिंग रूम इन इंचज, इट इज़ 150 inches, हाउ मेनी फीट वाइड इज़ हर डाइनिंग रूम। अच्छा, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मेयर की अपनी जो विथ थी ना डाइनिंग रूम की इंचज में, वो 150 inches निकले। अब उसके फीट कितने हैं, 12.5 feet। अब एक तकरीबन 12 inches के एक फीट होता है, तो हमने उस तरह करना है, देर आर 12 inches इन अ फुट, डिवाइड 150 by 12, 150 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 12.5 feet, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही ईजी है, एक ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ।